जौनपुर जिले में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। रोजाना शिक्षक पेड़ पर चढ़कर स्कूल पहुंचते हैं और इसी रास्ते से वापस घर जाते हैं। सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को भी घुटने तक पानी से होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल 15 दिन पहले बारिश का पानी स्कूल में भर गया। स्कूल प्रशासन ने कई बार शिक्षा विभाग से शिकायत की, लेकिन फिलहाल कोई भी हल नहीं निकल पाया है। उच्च अधिकारियों को ये कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग संज्ञान लेके इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करें, अन्यथा यह एक महीने तक यह स्थिति ऐसी बनी रहेगी और जल जनित बीमारियों से बहुत भयावह स्थिति इस विद्यालय में समस्त शैक्षणिक और अध्ययनरत बच्चों के ऊपर होने की पूरी संभावना है। सर ये है कि आज कम से कम 20 दिन से पूरा पानी विद्यालय में डूबा हुआ है और बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पढ़ाई भी नहीं सही हो पा रही है और हर जगह बात किया गया है, इसको देखने के लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। 16 तारीख को जो पहली बरसात हुई है, विद्यालय के बगल में तालाब है और ये ज़मीन कुछ नीची है, यहाँ से पानी का निकास समुचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि लोग सड़क में पीपा है उसको सब ब्लॉक कर दिए हैं, तो पानी लगातार डूबा हुआ है। मैंने DM को, CDO को, BSA को, तमाम अधिकारियों को इस परेशानी से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी न तो हम लोगों की बात सुने और न ही यहाँ पर आके कुछ पानी निकासी का इंतज़ाम किए। यार दिखलवाया गया, बगल में तालाब है, ओवरफ्लो हो रहा है, उसका पानी यहाँ आ जा रहा है, कोई अस्थाई समाधान होगा तभी यह व्यवस्था बन पाएगी, अन्यथा ये 1-1.5 महीने ऐसे रहेगा। कल किसानों की महापंचायत होने वाली, लेकिन इस बार भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पंचायत बुलाई है। ये महापंचायत फिरोजाबाद के मलिया में होने वाली है। पश्चिमी यूपी के लाखों किसानों के आने की संभावना है। इस महापंचायत में किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानु की कल इमलिया फिरोजाबाद में महापंचायत है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और यहीं से जो किसान आयोग के गठन की बात है उसके लिए बिगुल फूंका जाएगा। इसमें कई प्रदेश सरकार के नेता और मंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार इस महापंचायत के जरिए किसानों की किन समस्याओं को उठाया जाएगा और किन समस्याओं को लेकर के ये महापंचायत बुलाई गई है। हमारे साथ जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के, मास्टर जी, वो मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस महापंचायत में लगभग कितने लोग पहुंचेंगे और इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है। मास्टर जी, इस महापंचायत में कम से कम 3-4 लाख किसानों के जुटने की बात है और जो उद्देश्य है, हम पीछे से पिछले 30-40 साल से हमारे किसान यूनियन भानु ये संघर्षरत रही है कि सभी तरीके के आयोग बने हुए हैं,